बाबा जब से आप इस दुनिया से गए हैं। ओहो, अच्छे भले हट्टे कट्टे हो, फिर भी यूं सड़कों पे भीख मांग रहे हो। तुम्हें कोई रोजगार नहीं मिला? नहीं साहब, कोई रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो ऐसे भीख ना मांग रहा होता। ओहो बेचारा, चलो तुम फिक्र ना करो, मेरी तरफ से छोटी सी मदद समझ के ये 10,000 रुपए रख लो। ये लो 10,000 और छोटी सी मदद, साहब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। अरे नहीं नहीं, कोई ज्यादा नहीं है। तुम ये बताओ इन पैसों को क्या लोगे और क्या करोगे? साहब घर का राशन वगैरह लूंगा और आपको ढेर सारी दुआएं दूंगा। और क्या करना है मैंने इन पैसों का? चलो अच्छी बात है, ले लेना ये सब। दस हजार रुपए, इतने ज्यादा पैसे, वो भी एक साथ, और पूछता है क्या करूंगा इनका? नशा करूंगा और क्या, बल्कि पूरे महीने का जाकर लेता हूँ और सुकून से अपना वक्त गुजारता हूँ। ऐसे बंदे तो डेली मिल जाया करें, फिर तो मेरे बारे नहीं आ रहे। अरे तुमने सारी गाड़ी साफ कर दी? जी साहब, मैंने आपकी गाड़ी अच्छे से साफ कर दी है। हाँ वो तो नजर आ रहा कि तुम्हारी कितनी मेहनत हुई है। चलो ये तुम कुछ पैसे रख लो, ये लो साहब 50 रुपए। अगर बुरा ना माने तो मुझे कुछ और पैसे दे दें, मेरे घर कुछ खाने को नहीं है। अच्छा चलो एक मिनट रुको, ये लो ये 5,000 रुपए हैं, ये ज़कात के पैसे हैं, रख लो। बहुत शुक्रिया साहब, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको कभी कोई परेशानी ना हो। चलो ये तो अच्छा हो गया, बस ज़कात के कुछ ही पैसे रह गए हैं, अब क्या करूँ उनका? बल्कि ऐसा करता हूँ, सूट लेके दोस्तों में बांट देता हूँ, दोस्तों में वाह भी हो जाएगी और मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। हाँ ये ठीक है। आज तो कमाल ही हो गया, पूरे 5,000 रुपए, वो भी जरा सा राशन का रोना रोने पे। अगर ऐसे अमीर रोज रोज मिल जाएं तो बहुत अच्छी दिहाड़ी लग जाया करेगी। चलो अब इन पैसों का मजा तो लूं। अरे शरोज, तुम रबते नहीं किया यार आने से पहले? शुक्र है मुलाकात हो गई, मैं तो निकलने लगा था अभी। यार मैंने सोचा कि रमजान है, तुम घर ही होगे, इसलिए बगैर फोन किए डायरेक्ट तुम्हारे घर ही आ गया। अच्छा अच्छा, बताओ खैरियत से आना हुआ? यार बस ईद आने वाली है ना, तो मैंने दोस्तों के लिए कब सारे ड्रेस लिए थे, तो ये 4-5 ड्रेस तुम्हारे लिए है, ये लो। 4-5 ड्रेस? खैर तो है, इतने पैसे कहाँ से आ गए कि सब में बांटने लग गए? यार तुम पकड़ो तो सही, मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में मेरे ज़कात के पैसों में से कब सारे पैसे बच गए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन पैसों का क्या करूं, तो मैंने सोचा कि दोस्तों को ड्रेस ही ले देता हूं, तो ये उन्हीं ज़कात के पैसों में से हैं। क्या ज़कात के पैसों के सूट? ये पकड़ो भाई, ज़कात के पैसे गरीब और मुस्तहक लोगों के लिए होते हैं, यूँ दोस्तों में बांटने के लिए नहीं होते। ठीक है नहीं लेने तो ना ले, फिर ज़्यादा बातें भी ना सुना, जा रहा हूँ मैं, किसी और को दे दूंगा। ज़कात के पैसों के सूट, वो भी दोस्तों के लिए, बहुत ही गलत कर रहा है ये, बस अल्लाह हिदायत दे इसे। चलो मैं तो कब्रिस्तान जा रहा था, वहां तो जाऊं। बाबा जब से आप इस दुनिया से गए हैं, मेरा ख्याल करने वाला तो पीछे कोई बचा ही नहीं है।
और मेरे हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। और बड़ा भाई है, उसके पास सब कुछ है, अल्लाह उसे और नवाजे। दुनिया को देने के लिए तो उसके पास बहुत है, लेकिन छोटे भाई को कभी मुड़ के नहीं देखा कि वो किन हालात में जी रहा है। शहरोज का भाई और रो रहा है, ओहो बेचारा इस हाल में। और भाई इसका ज़कात के पैसे बिना सोचे समझे लुटाता फिर रहा है, इस बेचारे का उसे कोई ख्याल नहीं। चलो करता हूँ कुछ। शहरोज जो सूट तू मुझे देने आया था वो है पड़े या दे दिए किसी को? कहाँ दे दिए, उस वक्त तूने इतना दिमाग खराब कर दिया, फिर मैं एक काम आ गया और सूट तो वैसे ही पड़े हैं गाड़ी में। अच्छा चलो वो लेकर मलूक शाह कब्रिस्तान तो आ, तू आ जा फिर मैं बताता हूँ कि उनका क्या करना है। अच्छा चल आता हूँ थोड़ी देर में। यार मैं रास्ते में भी सोचता आ रहा था, तूने मुझे कब्रिस्तान बुला लिया है, इन सूटों का कब्रिस्तान में क्या काम? यार तूने बहुत देर कर दी आने में, अब जिसको देने थे वो यहाँ से जा चुका है और मेरे लिहाज से उससे ज्यादा तेरी ज़कात का मुस्तहिक और कोई नहीं हो सकता। जा चुका है और मुस्तहिक भी था तो फिर अब क्या किया जाए? अब मेरे ख्याल में उसे घर ही चल के दे आते हैं और घर भी मैंने देखा हुआ है। चल चले। तुम मुझे किस गुरबत वाले इलाके में ले आए हो और कौन है ये गरीब जिसकी तुम मदद करवाना चाह रहे हो? मेरे ख्याल में तुम नहीं जानते, एक मिनट रुको मैं ले आता हूँ उसे। शहरोज भाई। जी हाँ भाई, जिसे तुम भूल चुके हो कि वो किस हाल में है। वो हमारा दीन तो कहता है कि ज़कात देते वक्त पहले अपने घर से शुरू करो, अपने बहन भाइयों अपने रिश्तेदारों में जिनको ज़रूरत है, और तुम दुनिया में मगन हो। मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई है, मैं दुनिया में लगा रह गया और भाई पे तवज्जो ही नहीं दी, और मुझे तो ये तक अंदाज़ा नहीं कि मेरा भाई इस हाल में इस जगह रह रहा है। भाई मुझे कोई गिला नहीं है आपसे, आप मेरे बड़े भाई हैं। इस वीडियो को सदकाए जारिया समझकर जरूर शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।